शेयर बाजार बीते 5 दिन में ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया है। इसका सीधा वास्ता आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था से है। इसीलिए इस बुलेटिन में हम इस रिपोर्ट को आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किस तरह से शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है पिछले 5 दिनों में, अब वो जानिए। ये 3 तस्वीरें मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट के बाद बाजार में हाहाकार की कहानी बयां कर रही हैं। बजट से पहले रिकॉर्ड तोड़ सेंसेक्स के लिए केक कट रहे थे, गुब्बारे छोड़े जा रहे थे, लेकिन बजट के बाद लोग सिर पकड़े खड़े हैं, क्योंकि 5 दिन में अरबों रुपए डूब गए। देख सकते हैं कि पहले बजट के दिन कुछ 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप घटी, फिर कल भी थोड़ी घटी, आज जरा ज्यादा घटी होगी। तो ये मार्केट कैप घटती है, उसमें इंडिविजुअल लोगों का ओवरऑल यानी क्या होता है कि आपका जो पाय है वो छोटी होती जा रही। आज जब शेयर बाजार सुबह खुला तो 1200 अंक तक की गिरावट दर्ज हुई, पिछले करीब 2 दशक में 7वीं सबसे बड़ी गिरावट थी। सरकार गिरावट की वजह क्या मान रही है, पहले वो जान लीजिए। दी ग्लोबल मार्केट आर ऑल एसोसिएटेड, वी आर नॉट लिविंग इन एन आईलैंड, एंड सो ऑब्वियसली देयर इज अ रिपल इफेक्ट ऑफ व्हाट एवर हैपेंस इन दी वर्ल्ड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल्सो, सो दैट इफेक्ट इज मोर और Most of it is only because of that global thing. लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार ने म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया, जिसका नुकसान हो रहा है। किसका शेयर लिया था, इंट्राडे किया था, इंट्राडे में भी लॉस है और इन्वेस्टमेंट में भी लॉस है, पूरा डिस्गस्टिंग है मार्केट। 15-20 लाख का तो लॉस हो गया है पोर्टफोलियो में, ऐसा लगता है। पोर्टफोलियो में तो आप पूछिए मत कि क्या हाल है, वो ICU जैसी हालत है, और आज सुबह से 15-20 हजार का लॉस है अभी तक में। एक्सपर्ट के मुताबिक अभी गिरने का ट्रेंड जारी रहेगा और इसे सुधरने में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में 4 दिन ट्रेडिंग हुई। 1 फरवरी यानी बजट वाले दिन सेंसेक्स 59 अंक गिरकर 35,906 पर बंद हुआ। 2 फरवरी को सेंसेक्स 840 अंक गिरकर 35,067 पर बंद हुआ। 5 फरवरी को 310 अंक गिरकर सेंसेक्स 34,757 के स्तर पर आ गया। 6 फरवरी यानी आज बाजार खुलते ही 1200 अंक गिर गया। और उसके बाद पिछले 5 दिनों का नतीजा क्या रहा, वो आपके सामने है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।